कोविड-19 की महामारी के समय से हार्ट अटैक के मरीजों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। हाल ही में कोर्ट में एस्ट्राजेनेका ने कोविशील्ड को लेकर जो बयान दिया है उसे सुनकर ये वैक्सीन लगाने वाला हर एक व्यक्ति चिंता में पड़ गया है। बता दें कि कंपनी ने अदालत में कोविशील्ड के साइड इफेक्ट को बताते हुए कहा है कि इससे बॉडी में ब्लड क्लॉटिंग हो सकती है और प्लेटलेट्स कम हो सकते हैं, जो कि हार्ट अटैक स्ट्रोक का कारण बन सकती है। भारत में कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड को लेकर फैले डर के बीच ICMR के पूर्व वैज्ञानिक ने राहत देने वाली जानकारी दी है। उनका कहना है कि कोरोना के कोविशील्ड टीके को लेकर किसी भी तरह से डरने की जरूरत नहीं है। इससे साइड इफेक्ट दुर्लभ से दुर्लभ मामलों में होते हैं। यही नहीं, उन्होंने इसका डेटा भी समझाते हुए कहा है कि वैक्सीन लेने वाले 10 लाख लोगों में से कोई 7 या 8 लोगों के साथ हार्ट अटैक या ब्लड क्लॉटिंग यानी खून के थक्के जमने का रिस्क हो सकता है। इस साइड इफेक्ट को थ्रोम्बोसिस, थ्रोम्बोसाइटोपीनिया सिंड्रोम TTS कहा जा रहा है। CMR के पूर्व वैज्ञानिक डॉक्टर रमन गंगा खेड़कर ने कहा कि वैक्सीन से किसी भी तरह का रिस्क नहीं है, ये उपवाद और दुर्लभ से दुर्लभ केसों में होता है। उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में कहा, उन्होंने कहा कि जब आप पहली डोज लेते हैं तो सबसे ज्यादा रिस्क होता है, दूसरी डोज लेने पर ये कम हो जाता है और फिर तीसरी में तो एकदम कम होता है। यदि साइड इफेक्ट होना ही होता तो शुरुआती 2 से 3 महीनों में असर दिख जाता। उनका कहना था कि वैक्सीन लेने के सालों बाद अब इसे लेकर डरने की जरूरत नहीं है। फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। ऐसी ही और खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।